नमस्कार, बुलेटिन में आपનું સ્વાગત. સમાચારો સાથે હું છું વિધિ. ભીષણ બનેલું યાસ નામનું વાવાઝોડું હવે ટૂંક સમયમાં જ ઓડિશાના દરિયાકાંઠે ટકરાશે. પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશામાં યાસની અસર અત્યારે વર્તાઈ રહી છે. બંને રાજ્યોમાં તોફાની પવન સાથે મુશળધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. આ વાવાઝોડું જ્યારે ઓડિશાના ભદ્રક જિલ્લામાં ટકરાશે ત્યારે 160-185 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે અને દરિયામાં 2-4 મીટર સુધી ઊંચા મોજા ઉછળી શકે છે. રાહત અને બચાવ કાર્ય માટે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં સેના નૌસેના તૈનાત કરી દેવાય છે. બંગાળ અને ઓડિશાની ટ્રેન રદ કરી દેવાય છે. કોલકાતા એરપોર્ટ સાંજ સુધી બંધ કરી દેવાયો છે. તો બંગાળ અને ઓડિશામાં કુલ 12 લાખ લોકોને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોથી ખસેડી સુરક્ષિત સ્થળે પહોંચાડી દેવામાં આવ્યા છે. વાવાઝોડા મુદ્દે ઓડિશાના બાલાસોર, ભદ્રક, કેન્દ્રપારા, જગતસિંહ, મયુરભંજ અને કેઓનઝાર જિલ્લાને હાઈ રિસ્કવાળા જિલ્લા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ વાવાઝોડાને લઈને બિહાર અને ઝારખંડમાં પણ એલર્ટ જારી કરી દેવામાં આવ્યું છે. સુબહ કે 5-15 બજે હે, સુનસાન સરકે હે, ઓર ये इतला हो रहा है कि यश आ रहा है. आपको दिखाना चाहते हैं अभी से दीघा के रास्ते में पेड़ के डालियां जो है वो गिरना शुरू हो चुके हैं. रास्ता पूरा खाली है, बस NDRF के जो लोग हैं और यहाँ के जो पुलिस अथॉरिटीज है वो रास्ते में है. और आप देख सकते हैं कि ये दीघा के रास्ता जो सीधा उड़ीसा जा रहा है बिल्कुल खाली पड़ा है. इधर आपको दूसरे तरफ भी दिखा देते हैं, देखिए कैसे पेड़ हिल रहे हैं और कैसे तेज हवाएं चल रही हैं. अभी माना जाए तो जो हम लोगों को फीलिंग हो रहा है करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अभी यह हवा चल रहा है, जो कि समय के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे. सबसे ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे है इलेक्ट्रिक पोल्स, इलेक्ट्रिक के तार और जो पेड़ के डाली हैं वो अगर गिरते हैं तो रास्ता बंद हो सकता है तूफान के टाइम में, जो सबसे ज़्यादा समस्यादायक हो जाती है. पूरा दीघा हम लोग घूम के देखेंगे, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो दीघा में अभी हो रहा है इनका फीलिंग, ये साइक्लोन आने का फीलिंग कुछ अलग ही है. इस वक्त मैं हूँ दीघा के समुद्री तट पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं समुद्र कैसे पागल हो रहा है. यहाँ पे बिल्कुल चलना मुश्किल हो रहा है और ये आप देख के समझ सकते हैं कि समुद्र का पानी किस तरह बहाव करके ऊपर आ रहा है. ये जहाँ तक पानी आ चुका है इससे करीब 10 से 15 फीट नीचे ये पानी रहता है. और आपको पेड़ एक बार दिखाना चाहते हैं, देखें कैसे पागल की तरह ये पेड़ हिल रहे हैं. कैसे देख सकते हैं आप, कैसे समझ सकते हैं कि गस्टिंग जो विंड होता है वो कैसे होता है. आप अगर दूर में देखेंगे तो यहाँ से तालसारी जो उड़ीसा के पास में होते हैं वो दिखाई देता है. देखिए वो पूरा धुंधला हो चुका है. समुंदर का पानी जो डस्टिंग कहते हैं वो डस्टिंग अभी हो रहा है यहाँ पे और पूरा इलाका यहाँ पे खाली हो चुका है. समय जितना बढ़ता जाएगा वो ये जो पानी का बहाव है, देखिए आप देखिए कैसे ये जो लहरें आ रहे हैं उसके ऊपर से पानी कैसे इवोपोरेट हो जा रहा है, कैसे ये ऊपर हवा में मिल जा रहा है. और आप सामने आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए इधर सामने जिस तरफ कैमरा की लेंस है मैं अभी चुकाऊंगा दिखाने के लिए, ये न्यू दीघा, ये ओल्ड दीघा की तरफ के रास्ते हैं. और आप देख सकते हैं कि पूरा धुंधला हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. ये जो मार्केट्स है देखिए ये सारे बंद हो चुके हैं. और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जब ये तूफान चले जाएगा ये जो अनस्टेबल जो दुकान से ये सारे गिर जाएंगे. यही कारण है कि ये जगह को खाली कर दिया गया है. और यश जो आ रहा है इसका जानकारी अभी से सभी को है, इसीलिए पहले ही से सब लोग जो है यहाँ से सेफ डिस्टेंस पे चले गए हैं. हम जीवन के जोखिम उठा के यहाँ पे आए हैं बस ये समझना आपको समझाने के लिए कि तूफान कैसा होता है और जब तूफान इतना भयंकर होता है तब क्या होता है. इस वक्त मैं हूँ समुद्र दीघा के समुद्र तट पर और आप जैसे कि देख सकते हैं एकदम समुद्र के किनारे हम लोग हैं. और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि समुद्र के पास इस वक्त रहना बहुत खतरनाक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्या हालत यहाँ पे है उसका कोशिश हम लोग कर रहे हैं. लाइव वीडियोस आप देख रहे हैं. यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ओल्ड दीघा के जो अच्छा कैमरामैन से कह रहा है आपको दिखाई दे उधर जाके काम करना यही मुश्किल है. और सबसे बड़ी बात ये जो लहर आ रहा है सिर्फ समुद्र का पानी, नमकीन पानी है.
और यहाँ पे खड़ा रहना। देखिए उससे पहले यहाँ का जो पानी था वो यहाँ पे पानी का बहाव बढ़ता जाएगा और यहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। इस बात का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, अभी से ये हालत है, तो जब ये तूफान का लैंडफॉल होगा तब क्या हालत होगा। और कहा जा रहा है क्योंकि दीघा के ऊपर से तेल जा सकती है, जो कि जो तूफान होता है उससे काई होता है और तेल होता है, जब तेल जाएगा वो भी और भी खतरनाक होता है क्योंकि वो झपटे मारते जाते हैं और वो झपटा यहाँ से अभी से दिखाई दे रहा है। आपको एक बार दिखा देते हैं, देखिए ये इस तरफ आपकी न्यू दिखा है और इस तरफ उड़ीसा है और ये पूरा जगह धुंधला हो चुका है। इसका कारण ये है कि इतना बस्ती भीड़ है उसमें खड़ा रह के यहाँ पे बात करना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो टोल से ये जो इलेक्ट्रिक टोल से ये यहाँ पे अपना पानी में खड़ा रह के यहाँ पे काम कर रहा है, उसका इंसिडेंट फिर भी वो चीज़ कोशिश कर रहा है ध्यान देता हूँ। और अभी देखिए यहाँ से बीच है इसका